नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, वहां की हिंदू युवतियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसका एक सबूत सामने आया। पाकिस्तान किस तरह से हिंदू महिलाओं का व्यापार कर रहा है, इसके सबूत अमेरिका ने पेश किए हैं। इमरान खान गधे और खच्चर बेचते बेचते महिलाओं का व्यापार करने लगे हैं और सामान के तौर पर हिंदू और ईसाई लड़कियों का व्यापार किया जाता है। एक महिला की इज्जत को बेचा जाता है, उसे दासी बनाया जाता है, उसके शरीर ही नहीं बल्कि अंतरात्मा तक को बाजार में नीलाम किया जाता है। पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना महबूबा मुफ्ती की जुबा खुलेगी, ना शशि थरूर की और ना लिब्रांडुओं की। इस मामले में बॉलीवुड गैंग भी चुप हो जाएगा, स्वरा के स्वर भी नहीं फूटेंगे और कोई इस मुस्लिम कंट्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से तो पाकिस्तान बिल्कुल अमनप्रस्त देश है और अब तो मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले भी नहीं आएंगे। और जो भारत में तो आंकड़ों के हिसाब से अल्पसंख्यक बने बैठे हैं, वो भी चुपचाप रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई युवतियों का जबरन निकाह कराया जाता है। इस तरह की खबरें पहले भी सामने आती रही है, पर अब जो सामने आया है उसमें यह है कि पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई लड़कियों को चीन में दासी बताकर बेचने का एक पूरा रैकेट चल रहा है। इस रैकेट में पाकिस्तान सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। दरअसल न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक US एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजियस फ्रीडम डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर सैमुअल ब्राउन बैक ने इस रैकेट के बारे में खुलासा किया। उन्होंने जो जानकारी दी वो हैरान करने वाली है। अमेरिकी डिप्लोमेट के रिपोर्ट पर गौर करें तो पाकिस्तान हिंदू और ईसाई लड़कियों को चीन में दासी बताकर उनकी मार्केटिंग करता है। चीनी नागरिक औरतों को खरीदने के लिए पाकिस्तान आते हैं और उन्हें हिंदू और ईसाई लड़कियाँ बेच दी जाती हैं, उनका व्यापार किया जाता है। इन युवतियों को चीनी लोगों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर उन्हें चीन में दासी के तौर पर पेश किया जाता है और उनकी मार्केटिंग की जाती है। और अब मानवाधिकारों का रट लगाने वाले किसी बिल में जा छुपे हैं, आपको नजर आएंगे ही नहीं, क्योंकि जिन परिवारों की लड़कियां हैं उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। वैसे आपको बता दें कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के मामलों के सामने आने के बाद अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान समेत कुल 10 देशों पर एक्शन लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को अमेरिका ने एक विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये सभी देश धार्मिक उत्पीड़न को अपने देश में रोकने में नाकाम रहे हैं और इन देशों में म्यांमार, चीन, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इरिटेरिया और नॉर्थ कोरिया शामिल है। वैसे आपको बता दें कि चीन पहले ही धार्मिक उत्पीड़न को लेकर बदनाम है और पाकिस्तान मुस्लिम देशों का मसीहा बनने के बाद भी कुछ नहीं बोलता। उइगर मुस्लिमों की हालत क्या है ये सबको मालूम है और अभी हाल ही में खबर आई थी कि उइगर मुस्लिमों को जबरन सुअर का मीट खिलाया जा रहा है, वो भी शुक्रवार के दिन, जो कि सबसे पाक दिन माना जाता है। और इस बात को लेकर कुछ कट्टरपंथी ये कह देंगे कि कोई बात नहीं, चीन तो हमारा दोस्त है, अब इसे ही तो दोस्ती कहते हैं कि वो कुछ भी करे हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे आपको जो कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।